अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं पर पति शोषण करता है और मारपिटाई करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कुछ अलग ही देखने को मिला है, जहां एक महिला अपने पति को जमकर मारती और पीटती है और यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला कर देती है। इसी आरोपों में महिला को पत्नी की ये घिनौनी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तब पीड़ित पति के पिता ने बिजनौर की स्वारा पुलिस को एक लिखित तहरीर देकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस ने शिकायत पर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्या कह रही है? धर्म सिंह मार्शाल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि दिनांक 4 मई 2024 को बाजी श्री मन्नान जैदी सनोक श्री उस्मान जैदी निवासी ग्राम चक महमूद सानी थाना सिवारा ने थाना सिवारा पर आकर तहरीर सूचना दी कि उसकी पत्नी श्रीमती मेहर जहां उसके साथ आए दिन झगड़ा व मारपीट करती है तथा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का अमानवीय व्यवहार करती है। दिनांक 29/4/2024 को रात्रि में उसकी पत्नी ने वादी को नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया और जलती सिगरेट से धाक कर उसका शरीर शारीरिक उत्पीड़न किया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना सिवारा पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 5 तारीख को अभियुक्त मेहर जहां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हैं। हाँ भैया, ये जो आपकी पत्नी ने आपके साथ में घटना की है, क्या है भैया, क्या मामला है बताइए। ये मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो, मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है, कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के शरीर के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती हैं उनका हाथ है, उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं, वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षडयंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया तो इसकी मुझे मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पर ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और वो सब पे है और उसका प्रूफ सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं जो कि उसका भी प्रूफ है कि थाने के लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। अब आपके साथ में क्या घटना हुई थी? अब मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरे 29 तारीख को गुप्त कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि मेरे गुप्त अंग जो हैं वो जलाए गए हैं सिगरेट के थ्रू और चाकू से मुझ पर बहुत सारे वार किए गए हैं नीचे के गुप्त अंग के आसपास और मुझे मारने की कोशिश थी, मेरा गला दबाया गया था, मुझे बांध रखा था, पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया और मुझे उससे बांध कर मारा गया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनकी जो बहनें इनके साथ मिली हुई है पुलिस उसकी तफ्तीश करे और इसने एसपी को भी बहुत गाली गलौज की है जो हमारे सीनियर हैं और थाने में भी बहुत ये कहती है कि मैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना कोर्ट कचहरी मेरा कुछ बिगाड़ सकती, उसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए और मेरी बीवी को तकरीबन शादी से 2-3 साल पहले से वर्जाइनल इन्फेक्शन है जो कि विवेकानंद हॉस्पिटल पर रिपोर्ट कराई गई थी, उसमें उन्हें वर्जाइनल इन्फेक्शन आया था, उसके अल्ट्रासाउंड में भी और यूरिन में भी दोनों चीज़ों में बहुत इन्फेक्शन आया था, जो कि शराब का सेवन तकरीबन 5-6 साल से कर रही है, उसके एविडेंस सारे मेरे पास हैं। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।